नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार और स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्रा मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, ये सातवां पार्ट सेवन का एक भाग हमने अभी पिछले वीडियो में बनाया था, ये दूसरा है। मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं इसी टॉपिक को, कि दो वस्तुओं वाले सवालों को। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, एक बार आप लोग खुद से पढ़ के इसको बनाने का प्रयास करिए, मैं इसके बाद फिर आगे वीडियो को देखिए। तो 480 रुपये में दो घड़ियाँ खरीदा। पहले वाले सवालों में प्रत्येक लिखा हुआ था, प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य चाहे प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य, मतलब प्रत्येक मतलब एक का इतना और दूसरे का भी इतना। पर यहाँ पे लिखा हुआ एक व्यक्ति ने 480 रुपये में दो घड़ियाँ खरीदा। अब दो घड़ी का दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के है 480। अब मुझे नहीं पता कि एक का कितना है दूसरे का कितना, हो सकता है एक का 80 हो, एक का 400 हो सकता है दोनों बराबर, कुछ भी हो सकता है, पर मुझे यहाँ पे पता नहीं है। मतलब आप इस सवाल को दो तरीके से भी बना सकते हैं। आप एक ऐसा ले सकते हैं कि इसका एक्स अगर कॉस्ट प्राइस है तो बाकी जो बच गया एक्स जाने के बाद 480, तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस ये होगा। परंतु इस नियम से नहीं मैं बना रहा हूँ, मैं दूसरे नियम से बना रहा हूँ। आप देखिए, बहुत आसान है, रेशियो का थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करना होगा, आप ऐसे बनाना बहुत आसान है। ठीक है, ये 480 रुपये, ये दो घड़ी है, ये पहला घड़ी है और ये दूसरा घड़ी है, और ये कॉस्ट प्राइस है, आप समझिए। तो दोनों घड़ी के कॉस्ट प्राइस हम लोग इसका एक्स रुपया मान लेते हैं, इसका वाई रुपया, अर्थात क्या जी, कि एक्स प्लस वाई मिला के 480 रुपया कॉस्ट प्राइस है, और ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये सीपी है, दोनों का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। ठीक, अब कहता है कि वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरे घड़ी को 19% लाभ पर बेचता है, और प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई। यानी जो पहले घड़ी का विक्रय मूल्य था और जो दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य था, वो क्या पाया गया कि दोनों बराबर मूल्य पर बिका। तो विक्रय मूल्य बराबर है, ये सवाल इस तरह भी पूछा गया है। ठीक है, कि दोनों घड़ी इसमें जितना लाभ हुआ उतना ही दूसरे में हानि हुई। तो लाभ और हानि का अगर संख्यात्मक मान बराबर करेगा तो लाभ और हानि निकाल के बराबर करेंगे, ना कि विक्रय मूल्य। तो देखिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य कैसे लिखते हैं। एक्स मान लीजिए इसका कॉस्ट प्राइस है और वाई दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस है। इसको हानि पर बेचा गया तो इसका विक्रय मूल्य 85%, 15% हानि हो गया तो, और ये लाभ हुआ तो 19%, तो 119% इसका विक्रय मूल्य हुआ, और ये दोनों बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है। ये कट गया, आप 17 से काट सकते हैं, 17 × 5 = 85 और 17 × 7 = 19 से, तो ठीक है, ये 5x हो जाएगा और ये 7y होगा। और इस तरह x और y का रेशियो हम लोगों को पता है, ये 7 हो जाएगा और इधर वाला ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टोटल प्राइस खरीदने में लगा है वो 480 लगा है, लेकिन रेशियो में वो कितना है, 7:5 में है। तो आप 480 को क्या 7:5 में तोड़ सकते हैं। और मुझे पूछा है कि हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य, तो हानि पर बेची गई घड़ी मतलब 15% हानि पर किस घड़ी को बेचा गया था, उसका कॉस्ट प्राइस एक्स था, यानी मुझे एक्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप एक्स कैसे निकालेंगे, 480 को 7 × 5 = 12 से भागा देंगे, और इसका 7 है तो 7 गुना करेंगे, 12 × 48, 7 × 28, 280 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है। इस तरह के सवालों को आगे आप लोग इस तरह के सवालों को बनाने का प्रयास करिएगा, हर बुक में मिलता है ये सब सवाल, और आपको बन जाएगा आगे सवाल जो मिलेगा। और ये एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जब इस सवाल में कहा कि पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि नहीं हुई, मतलब कि इसका जो लाभ परसेंट पहले सौदे का जो लाभ प्रतिशत नहीं, लाभ रुपया में जितना हुआ उतना ही, पहले सौदे का लाभ जितना रुपया में हुआ दूसरे सौदे की भी हानि उतना ही रुपया हुई, यानी ये दोनों बराबर होगा। यानी एक सौदे में जितना आपने कमाया दूसरे सौदे में उतना आपको हानि हो गई, तो ऐसे केस में पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि नहीं होगी। तो वहाँ पर इस तरह मैंने विक्रय मूल्य को बराबर किया, आप इसको लाभ और हानि को बराबर करें। जैसे इस सवाल में मुझे अगर लाभ और हानि बराबर करने का था, यहाँ लाभ होता चाहे यहाँ हानि, यहाँ लाभ, तो मात्र मैं 15% लिखता, क्रय मूल्य का 15% हानि, विक्रय मूल्य का 19% लाभ, और इसको बराबर करता और फिर मैं इसका रेशियो निकालता, कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा सा खुद का भी दिमाग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए तो आगे का सवाल लेते हैं, आज का ये सवाल पढ़ते एक बार, 41वां नंबर है ये सवाल।
एक विक्रेता दो वस्तुओं को 1200 रुपये में खरीदता है, दो वस्तु है और दोनों को मिलाकर 1200 रुपये में खरीदा है, पहले को 8% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है, और फाइनली वो देखता है दोनों सौदों को मिलाकर कि उसको कितना लाभ हुआ, तो पाता है 12.5% लाभ हुआ। ठीक है, यानी हम लोग जानते हैं एक सौदा 8% लाभ पर बिका है और दूसरा 20% लाभ पर बिका है, तो आप औसतन लाभ जिसको कहते हैं, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, वो इसी के बीच कहीं पे होगा, 8 से ज़्यादा होगा और 20 से ज़्यादा होगा, डिपेंड करता है ये किसका कॉस्ट प्राइस कितना था, वो लाभ हानि तो कॉस्ट पे ही डिपेंड करेगा कि वो किसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था, अगर इसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो इसके ये करीब होगा, मतलब 9-10 हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो ये इसके करीब होगा। ठीक है, तो इसको एलिगेशन के रूल से बनाना ज़्यादा आसान है, वैसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक वस्तु का एक्स रुपया पर लाभ 20, दूसरा पर वाई इस पर लाभ 20 और टोटल एक्स प्लस वाई पर लाभ कितना 12.5, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं और आपको ज़्यादा आसान होगा निकालने के लिए। एक बार आप लोग सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाता हूँ, ठीक है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिटा दिया, ठीक है, आप देखिए ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एक वस्तु, पहला वस्तु ये है, इस पर 20% लाभ हुआ, दूसरा वस्तु कितना है, कितना परसेंट लाभ जी, 8% लाभ पर, और औसतन देखा गया दोनों मिलाकर तो 12.5% का लाभ है, तो बताइए आप इधर से इसको घटा दीजिए, एलिगेशन का रूल आप लोग जानते होंगे, नहीं तो फिर हम लोग जब एलिगेशन पढ़ेंगे मिश्रण तब हम लोग देखेंगे, इधर से आप घटाएंगे तो कितना घटेगा, आएगा 7.5, और इधर से आप घटाएंगे तो कितना आएगा 4.5। अब इन दोनों का रेशियो निकालिए, पॉइंट पॉइंट ख़त्म, आप 15 से काट सकते हैं, 15 × 3 = 45 और 15 × 5 = 75, तो ये जो 3:5 निकला वो दोनों के क्रय मूल का यानी CP का रेशियो निकल रहा है। अब बताइए हमसे पहले वस्तु का क्रय मूल पूछा, पहले वस्तु का क्रय मूल पूछा, पहले वस्तु का क्रय मूल 3, दूसरे का क्रय मूल 5 है और दोनों मिलाकर कितना है 1200 में खरीदा गया, तो 1200 को आप 5 × 3 = 8 से भागा दे दीजिए, और पहले वस्तु पूछा गया तो आप 3 गुना कर दिए, तो 8 से अगर हम लोग भागा देंगे, 120 को 15 और एक जीरो और भी है, तो 150 × 15 = 45 450 इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा सवाल जो हमने लिया है उसमें मैंने क्या किया है, एक को तो 10% लाभ रखा है लेकिन दूसरे में हमने 5% हानि लिख दिया है, ठीक है, और भी देखिए, और ओवरऑल जो हमने लाभ लिखा हुआ है वो रुपये में लिखा हुआ, परसेंटेज में नहीं लिखा हुआ है। इस सवाल में भी आप चाहे तो सबको रुपया में भी कन्वर्ट करके, ये यहाँ पे इसका रुपया और ओवरऑल उसका रुपया भी करके कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर वैसे पता होगा तो आप वैसे कर लीजिए, ठीक है। अभी सवाल को मैं बना रहा हूँ, जरा सा एक बार सवाल पे को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। एक सौदे में 10% का लाभ है, ठीक है, ये लाभ है प्लस है, और इसमें 5% की हानि है, इसका मतलब ये है कि -5 से लेकर 10 के बीच कुछ भी हो सकता है, 0, -2, -1, 0, 2, 3, और अगर ये +5 ले लेते हैं तो ये जो इधर वाला पार्ट था -2, -3 ये तो छूट जाता है, इसी वजह से यहाँ पे हानि को हम लोग माइनस लेते हैं, ठीक है, और ये लाभ को प्लस। ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल आपको 4500 का लाभ हुआ, ओवरऑल अगर लाभ हुआ तो ओवरऑल कितना खरीदने में लगा है 1800, तो मतलब औसतन लाभ प्रतिशत आपको निकालना पड़ेगा, और वो देखो, देखिए हमने यहाँ पे लिखा लाभ प्रतिशत 45 हुआ, लाभ गुने 100 और टोटल कॉस्ट कितना था 1800, ये 0-0 कट गया, 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 5 को 2 से भागा देंगे, 2.5% इसका ओवरऑल लाभ है, तो मैंने 2.5 यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखिए इधर से इधर घटाएंगे आपको तो इसका आ जाएगा 7.5, और अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहुँच गए तो आप ऐसे ना घटावें, यहाँ तक आ चुके हैं तो ऐसे में ऐसे घटाना, लिखना हालांकि यहाँ पे तो 5.5 या 2.5 में घटा रहा हूँ मैं -5 को, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 7.5, और रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आएगा, मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम था, मतलब 1800 दो एक घड़ी है और एक रेडियो है, तो इसका भी 900 होगा और इसका भी 900 होगा, तो उसने पूछा, रेडियो भी पूछता तब भी वही आंसर होता और घड़ी भी पूछा तब भी वही आंसर होगा, 900 रुपये कॉस्ट प्राइस। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, चलिए अगले सवाल में हम लोग चलते हैं।
आइए तो इस सवाल को देखते हैं एक बार, आप लोग पढ़िए सवाल को। एक दुकानदार 400 रुपये में एक मेज बेचकर 25% लाभ कमाता है, मतलब एक मेज बेचा उससे उसको 25%, लेकिन ये 400 रुपया विक्रय मूल्य है, ठीक है, ये विक्रय मूल्य है 400 और 25% लाभ कमाया, और दूसरा मेज में इसको 10% की हानि हो गई, और कहता है कुल मिलाकर उसे ना लाभ हुआ और ना ही हानि। और मैंने उस वीडियो में भी ये बताया था कि अगर इससे पिछले वीडियो में, ठीक है, अगर पूरे सौदे में अगर कोई लाभ अथवा हानि नहीं हुई तो इसका लाभ जो हुआ था वो कहाँ गया, मतलब इसमें जितना रुपया का, यहाँ परसेंटेज नहीं, ठीक है, ये लाभ, ये रुपया, इतना जितना रुपया इसमें लाभ कमाया था रुपया में पहले सौदे में, ठीक है, उतना ही दूसरे सौदे में हानि हो गया। अगर ऐसा हुआ है तभी ये संभव है कि पूरे सौदे में कोई लाभ होती है और ना ही कोई हानि। तो आप बताइए कि अगर इसका आप लाभ निकाल पाएँ तो इस सौदे के लिए वो हानि निकल जाएगी, तो आप कैसे निकालेंगे इसका लाभ? तो ये पता है आपको, ठीक है, कि 400 रुपये में आपने बेचा तो विक्रय मूल्य है, तो 25% लाभ होने से विक्रय मूल्य हो जाता है 125%, और निकालना जो है उसको सदैव आप ऊपर लिखें, हमको लाभ निकालना है, तो ये लाभ निकल गया, और ये लाभ इस सौदे के लिए जो लाभ है इस सौदे के लिए वो हानि है, ठीक है। तो हम लोग एक बार काट सकते हैं, चाहे तो यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, 25 और 80 रुपया इस सौदे का लाभ है, अर्थात 80 रुपया इस सौदे के लिए हानि है, और इस सौदे में यही हानि 10% कहला रहा है, यानी इस सौदे के लिए अगर 10% हानि 80 रुपया है तो इस सौदे का क्रय मूल्य मतलब 100% 800 रुपया होगा। ये इसका आपका सही उत्तर है, ठीक है, तो 800 रुपया इस सौदे का कॉस्ट प्राइस होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में, अगर एक बार में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखें, आपको उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। चलिए अगले चार सवाल आगे मैं इस पार्ट में बताने वाला हूँ, और वो सवाल थोड़े से जटिल भी, इसमें एक दो सवाल होंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझाऊँगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। चलिए आइए हम लोग अब इस सवाल को देखते हैं। बीच में एक 43 नंबर मैंने थोड़ा अलग तरह का सवाल डाल दिया था, ठीक है, पर आगे आप लोग देखिए, कोई बात नहीं। 5 घोड़े तथा 10 गायें टोटल खरीदता है 10,000 रुपये में, घोड़ों को वो 15% लाभ पर और गायों को 10% हानि पर बेचता है, और ओवरऑल उसने वह पाता है कि 375 रुपये का लाभ हुआ। तो सबसे पहले ओवरऑल कितना लाभ हुआ, ये लाभ प्रतिशत आप निकाल लें, लाभ प्रतिशत 375 गुने 100 और 10,000 हो गया, 4 शून्य है, 2 यहाँ से गया, यानी 3.75% हो गया, ठीक है। अभी आप क्या कीजिए कि 5 घोड़ा को भूल जाइए, सिर्फ समझिए एक घोड़ा है, ठीक है, एक घोड़ा नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ घोड़ा है और एक इसको गाय है। अब पहले मैं गाय और घोड़ा में ये पैसे को बांट लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद फिर उसके अंदर 5 घोड़ा है तो एक घोड़ा का कितना होगा, अब फिर गायों का जो हिस्सा हुआ उसमें से 10 गाय है तो एक गाय का कितना होगा। तो पहले हम दो ग्रुप में बांटा, घोड़ा और गाय, ओवरऑल 3.75% फायदा हुआ है, 15% हुआ है घोड़ों पर, तो घोड़ा यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है, ये घोड़ा, और यहाँ पे 15% लाभ है, मतलब ये प्लस में है, और यहाँ पे हमने गाय लिखा और ये 10% हानि है तो माइनस में लिखा, और ये तो लाभ है तो ये तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। अभी आप इसको इधर घटाएंगे तो ये 3.75 है, पहले आप 4 घटा दीजिए इसमें 11, तो 11, लेकिन 2.25 ज़्यादा आपने घटाया था इसलिए पुनः इसमें डाल दीजिए, और अब आप यहाँ तक घटा चुके थे तो इसको इधर से घटाइए, तो अगर 3.75 में घटाना है माइनस 10 तो ये तो जुड़ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 13.75। अब इसको काटना बहुत आसान है, देखिए ये 2 अंक के बाद पॉइंट था, ये पॉइंट था, काट दिया हमने, 25 का पारा 4 बार में पढ़ने से 100 आता है, अब 1300 लाना है तो 13 चक 52 और 3 बार के लिए 75 के लिए 3 बार 52 और 3 ये 55 बार, और इसी तरह 11 चक 44 और 1 45 बार, ठीक है, फिर 9 से ये 5 से कट रहा है, 5 से 11 95 45, तो 11:9 हो गया। घोड़ा पर टोटल घोड़ा पर 11 लगा हुआ है पैसा, तो गाय पर 9 लगा हुआ है, टोटल कितना है 10,000 रुपये, तो क्या 10,000 रुपये को हम इस रेशियो में तोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं, देखिए
इसको 11, 9, 20 टुकड़ा करेंगे, 20 से भाग देंगे, 20 × 5 = 100, ये 500 आएगा। और 5 से 11 को गुना करेंगे, 5500 घोड़ा पर पैसा लगा हुआ है और 5×9 = 4500 रुपया गाय पर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें घोड़ा कितना है, घोड़ा है 5, तो 5 से भागा देंगे, और गाय कितना है, गाय 10, तो 10 से भागा देंगे, तो एक घोड़ा का हो जाएगा 1100 रुपया और एक गाय का हो जाएगा 450 रुपया। तो 1100 और 450 हमारा पहला ही ऑप्शन सही उत्तर है, ठीक है। तो इस तरह आगे का सवाल पे हम लोग चलते हैं, देखिए। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं, ये सीजीएल प्री में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो क्या अप्रोच होना चाहिए, देखिए अप्रोच तो बहुत तरीके से होना चाहिए, आप एक बार सवाल को पढ़िए, खुद से समझिए, बहुत तरीके से इसको बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है उसको आप देखिए। 1710 रुपये में 2 घोड़े बेचता है, ठीक है, ये टोटल विक्रय मूल्य है, 2 घोड़े का विक्रय मूल्य है, यानी दोनों मिलाकर जो बेचा उससे 1710 रुपया आया। पहले का क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य का कॉस्ट जो भी ये रुपये में जो भी वहाँ पे लिखा गया है, विक्रय मूल्य इसका और पहले का क्रय मूल्य दोनों बराबर है, ठीक है, जितना भी रुपया है। यदि पहले पर 10% की हानि और दूसरा पर 25% का लाभ पर बेचा गया, तो कुल लाभ या हानि रुपया में कितना हो ये बताना है आपको। तो देखिए अप्रोच क्या है, आप समझिए। पहले सौदे में 10% की हानि हुई, तो पहला सौदा हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं, ठीक है। तो 10% की हानि हुई, मतलब ये 100, तो ये 10% हानि, मतलब विक्रय मूल्य 90। अगर रेशियो में बात किया जाए तो ये 0-0 कट जाएगा, तो 10:9। और दूसरे सौदे में 25% का लाभ हुआ, 25% मतलब 1/4, यानी 4 में खरीदा और एक लाभ हुआ, तो 5 इसका विक्रय मूल्य। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 क्रय मूल्य, 25% लाभ, तो 125, 25 से काटेंगे तो 4:5 हो जाएगा, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। अब सवाल बहुत सिंपल है कि पहले सौदे का क्रय मूल्य मतलब ये वाला, और दूसरे सौदे का विक्रय मूल्य मतलब ये वाला, दोनों बराबर है, आप इसको कैसे बराबर कर सकते हैं। यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लाया जा सकता है, इसमें कुछ ना गुना करें, इसमें तो 10 है, यहाँ इसमें 2 गुना करें, लेकिन रेशियो वही होना चाहिए, इस वजह से 2 इसमें गुना होगा तो 2 इसमें भी गुना होगा। तो आप बताइए, ये बन गया 8, यानी टोटल कॉस्ट दोनों सौदे को मिलाकर टोटल कॉस्ट हमारा हो गया 18, और टोटल ये 9 और ये 10 टोटल विक्रय मूल्य हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 19। तो बताइए अगर हम 18 में टोटल ओवरऑल खरीदें 18 में और टोटल हमने ओवरऑल बेचा है 19 में, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, और कितना का हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी ये टोटल विक्रय मूल्य है, यानी 19 यूनिट, अगर इसको मैं मान लूँ, इसको 18 यूनिट में खरीदा, 19 यूनिट में बेचा, तो 1 यूनिट का लाभ हुआ। अगर 19 यूनिट को मैं 1710 रुपये समझ लूँ, तो मुझे निकालना है लाभ, और जो कि 1 यूनिट है, तो आप 19 से 9 बार में कटेगा, 19×9 = 17, 1 यूनिट गुना करेंगे तो 90 रुपया इसका लाभ हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, इसका आंसर होगा 90 रुपया लाभ, चूँकि हमने ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। आगे का सवाल हम लोग लेते हैं, अभी 2 सवाल और बाकी है आज का। चलिए इस सवाल को आप लोग एक बार बनाने का प्रयास करिए खुद से, अगर इस सवाल को आप इक्वेशन से x और y मान के बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा, ठीक है। तो उस तरह से एक नियम है, उस तरह से मैं छोड़ देता हूं, और अगर ऑप्शन से भी ट्राई करेंगे तब भी आपको टाइम लगेगा। अगर ऑप्शन मान लीजिए उधर हो, अगर पहला ही ऑप्शन आपका आंसर मिल गया तो आपके लिए आसान होगा, और ऑप्शन से तभी आप बना सकते हैं जब दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। जैसे प्रत्येक का पूछ रहा है कीमत, मतलब गाय और घोड़ा का, दोनों में से अगर एक ही दिया रहेगा तो ऑप्शन से भी आप नहीं बना पाएंगे। तो क्या तरीका आपके पास होना चाहिए जो इससे इस सवाल को आप बना लें, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इसके अलावे कुछ और भी जानना होगा। जैसे पहला बात कि सबसे पहले सवाल को पढ़ते, एक घोड़ा एवं एक गाय, घोड़े पर 25% लाभ लिया गया और गाय पर 20% लाभ लिया गया और बेचा गया, तो उस पाया गया कि 540 रुपये में बेचा गया, ठीक है। अगर घोड़े एवं गाय को 538 रुपया में बेचा जाता तो ये कब हो पाता है, जब घोड़े पर 20 लेते और गाय पर ले लेते 25। आप देख रहे हैं कि 20 और 25 है, यहाँ पे उलट के 20 और 25 कर दिया गया, ठीक है, यानी कि परसेंटेज वही सिर्फ चेंज किया गया है, तब ये 538 में बिकता। तो पहला ज्ञान ये आपको होना चाहिए कि आप देख के बता सकते हैं कि इसमें घोड़े का मूल्य ज़्यादा है या घोड़े की कीमत ज़्यादा होगा या गाय की कीमत ज़्यादा होगा, ये आप पता कर सकते हैं गाय की कीमत कौन ज़्यादा होगा। देखिए
ये सबसे पहले आप देखिए ज़्यादा बेचने से किस में मिला है, तो ज़्यादा बेचने से मिला इसमें 540 में, और इसमें से देखिए कि इसमें से ज़्यादा किस पर था, तो ये घोड़ा पर था, इसका मतलब घोड़ा का कीमत ज़्यादा है। चूँकि आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये है, ठीक है, और इसमें आपको एक में आपको 20% ब्याज मिलने वाला है और एक पर 5% आपको ब्याज मिलने वाला है, आप पैसा चाहेंगे कि यहाँ पे लगावें यहाँ पे नहीं लगावें, ठीक है, तो आपके पास शर्त है लेकिन दोनों में लगाना है, तो मान लीजिए आप दोनों में लगाना है, तो आप क्या चाहेंगे कि मैक्सिमम अगर दोनों में लगाना शर्त है तो इसमें 1 रुपये लगा देते हैं, बाकी से इसमें लगा दें, ठीक है, तो इसमें आप बड़ा अमाउंट बड़े पर लगाएंगे, बड़ा अमाउंट बड़े पर लगाएंगे तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो आपने 5% पे लगा दिया सारा, इस पे लगाया थोड़ा सा, क्या फ़ायदा होगा, बहुत कम फ़ायदा होगा। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट को आप अगर थोड़ा सा समझते हैं तो आप बता सकते हैं कि ज़्यादा इस पर बेचने पर मिला है तो क्यों ज़्यादा मिल पाया, क्योंकि ज़्यादा पर ज़्यादा लगाया गया होगा तभी ज़्यादा हो पाया, ठीक है, इसलिए घोड़े का कीमत ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। इस चीज़ को और भी समझाया जा सकता है लेकिन अब फिर मैं दूसरी दिशा में चला जाऊँगा तो फिर वो भी ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ये सब आइडिया आने लगेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि ज़्यादा तो होगा पर कितना ज़्यादा होगा, मैं दूसरा तरीका से बता रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा होगा तो देखिए 5% आप इधर और इधर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 है 25 है और यहाँ पे ये 20 हो गया इधर 25 हो गया, तो 20 तो देखिए इसको आप 25 को 20+5 लिख सकते हैं ना, इस 20+5 लिख सकते हैं, तो पता चलेगा 20 यहाँ है यहाँ है यहाँ यहाँ है, केवल 5% आप इधर उधर कर रहे हैं, तो 5% आप इधर उधर कर रहे हैं तो इसके चलते डिफरेंस कितना आ जा रहा है दोनों में, अरे यहाँ पे डिफरेंस 25 और 20 से निकला प्रतिशत वाला, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 540 से 500 कितना हो जाता है 38, तो ये हो जाता है 2 रुपये का, तो 5% अगर डिफरेंस 5% डिफरेंस 2 रुपये हो सकता है तो कुल डिफरेंस कितना होगा दोनों में, तो ये कुल डिफरेंस मतलब अंतर, कुल अंतर 100%, कुल मतलब 100%, 5 से 20 बार में कटेगा, 20 × 2 = 40 रुपये, यानी घोड़ा और गाय में सबसे पहले ये पता कर लिया है हमने कि 40 रुपये का डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो एक ज़्यादा होगा 40 रुपये और दूसरे से कम होगा 40 रुपये, तो ज़्यादा हमने तय कर दिया कि घोड़े की कीमत ज़्यादा होगा। अब यहाँ से ऑप्शन देखिए कि क्या सब में 40-40 का डिफरेंस है या किसी एक में, तो आप पाएंगे इसमें एक ही में 40 का अंतर है, और तो ये हो गया घोड़ा वाला, ये हो गया घोड़ा का और ये हो गया गाय का, लेकिन अगर आप, मैं कह रहा हूं कि अगर ऑप्शन ये एक ही दिया रहता, अगर एक ही दिया रहता तो हम अंतर कहाँ से लाते 40 का, यहाँ देख के बता दिए 40 का अंतर है, तब तो आप फिर से फंस गए, इसलिए इस सवाल को तो खैर बना तो सकते इतना ही में, इतना में बना लिए, लेकिन पूरा सवाल बनेगा कैसे ये जानना है, एक तो इक्वेशन वाला है, जैसे इसमें x ले लिए गाय का, इसका वाई ले लिए, इसका विक्रय मूल्य निकाल दिए 25%, इसका विक्रय मूल्य 20% पे, और ये 540 लिख दिया, फिर इसमें एक इक्वेशन बनाया, ठीक है, इसमें ये 20 ये 25, ठीक है, और हल की एक्स वाई का, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए, इतना दूर तक आप एक बार नोट करना चाहे तो नोट कर लें, ये मुझे पता लग गया है कि 40 रुपये, और ये इजीली पता लग जाता है, ठीक है, कि 40 रुपये अधिक है, कैसे इजीली पता लग जाता है, 5% आप इधर उधर कर रहे हैं तो 5% का डिफरेंस के चलते 2 रुपये आया, तो कुल डिफरेंस कितना हो जाएगा, कुल डिफरेंस 40 रुपये हो जाएगा, बस इतना ही देर लगना है, यानी मुझे पता लग गया कि गाय का अगर कीमत, गाय की कीमत अगर 100 रुपया हो तो घोड़े की कीमत क्या होगा, घोड़े की कीमत 100+40 रुपया अधिक होगा, ठीक है, अधिक तो है, वो भी अधिक कैसे, वो भी मैंने बताया अभी। अब दोनों इक्वेशन एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, जाहिर बात है मैं इसमें डालूंगा क्योंकि इसमें 0 है तो कटना आसान होगा, तो इस इक्वेशन पर इसको सेट करिए, गाय को घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, मतलब x+40 इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका CP हमने माना है, इसका CP क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस कहता है इससे 40 अधिक है तो हमने ये मान लिया, ठीक है, तो इसका अगर घोड़े को 25% लाभ पर बेचा तो इसका विक्रय मूल्य 125/100, अच्छा गाय X है इसको कितना लाभ पर बेचा है 20% लाभ पर, तो 120/100 और टोटल बिका है 540 पे। अब आप इसको हल कर सकते हैं, LCM 100 आएगा क्योंकि काटने ने पूरा नहीं कट रहा है इस वजह से, चलिए अगर इसका LCM 100 आया, ठीक है, तो 125 जब यहाँ गुना होगा तो 125 एक्स हो जाएगा और 125 चक्का 500 ये होगा और एक 0 भी था और ये कितना हो जाएगा 120 एक्स हो जाएगा, इधर 540 हो जाएगा। अब उधर जब ये 100 गुना होगा, पहले इसको जोड़ता हूँ मैं, ठीक है, ये 245 एक्स इधर हो गया और इधर 54
जीरो और फिर डबल जीरो होगा और ये जो 5000 है उधर जाके घट जाएगा। तो चलिए मैं 5000 घटाता हूँ, ये है 54000 मतलब 50400। अब इसमें मैं 5000 निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा 49000। तो 49000 अगर ये हो गया तो बताइए आप इसको दो बार में काटेंगे, ये 5 है, दो बार में काटेंगे 245, तो ये हो जाएगा दो बार में कितना 490 और दो जीरो इसके साथ है यानी x बराबर 200। x क्या निकला, गाय का मूल्य, गाय हो गई की कीमत हो गया 200 और घोड़े का हो गया 240। तो आप पूरा सवाल बना सकते हैं इतना में ही, नहीं तो ये सवाल काफ़ी लंबा बनेगा, काफ़ी लंबा। एक बार आप लोग उस तरह ट्राई कर सकते हैं जिस तरह मैं कह रहा था। तो चलिए एक लास्ट सवाल और ले ही लेते हैं। चलिए आज इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है और इस टाइप का भी लास्ट सवाल हो जाता है, ये दो वस्तुओं पर जो रिलेटेड था, इसमें तीन वस्तु है, ठीक है। तो देखिए एक बार सवाल को पढ़िए आप लोग कि तीन साइकिल क्रमशः 6000, 7500, 7500 और 5500 रुपये में बेची। पहली पर 20% का लाभ हुआ, दूसरी पर भी 25% का लाभ हुआ, लेकिन किंतु तीनों को जब बेचा गया, पाया गया तीनों का जब अगर क्यों देखा गया कुल मिलाकर, तो देखा कि 5% की हानि है, इसका मतलब तीसरे पर तो हानि ज़्यादा हुई होगी। खैर तीसरे पर कितनी हानि हुई ये भी नहीं पूछा है, हमसे पूछा तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। देखिए अगर चार्ट बना के बनाया जाए तो आपको समझ ज़्यादा आएगा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आपको बिना चार्ट से ही, चार्ट बनाने में टाइम लग जाएगा तो इसलिए ऐसे समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले ओवरऑल 5% की हानि हुई, तो बताइए ओवरऑल कॉस्ट निकाला जा सकता है। देखिए टोटल आपका कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ, कुल विक्रय मूल्य आप पहले देखिए, कुल विक्रय मूल्य हमारा हुआ 6000 और ये 500 इसमें चल जाएगा तो 8, चाहे 500 इसमें चल जाएगा 6, 12, 12 और 7 कितना हो गया, 12, 7, 19000 ना जी। तो 19000 टोटल इसका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। इसमें 5% की हानि है तो कुल क्रय मूल्य क्या रहा होगा बताइए, कुल क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य निकालना है 100 ऊपर 5% हानि मतलब 95% और यहाँ पे 19000, तो 19 से अगर इसको 1000 से काटे तो 19 95 और पुनः 5 से अगर काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 20000, यानी टोटल कॉस्ट इसका 20000 तीनों साइकिल का लगा हुआ, ये बात पता है आपको। अब देखिए पहले में कितना कॉस्ट लगा हुआ है, बेचा 20%, 6000 रुपया पहला बिका है और उसमें 20% का लाभ हुआ है, तो बताइए पहला का सीपी, जो पहला साइकिल था उसका सीपी कैसे निकालेंगे। सीपी अगर निकालना है तो 100 ऊपर और 20% लाभ है तो 120 और 6000 रुपया में बेचा था तो 12 5 60, पहला में सीपी इसको 5000 रुपया, 5000 12 5 00, एक बार काटा 12 5 150 होगा, ठीक है, तो 5000 रुपया। दूसरा में कितना कॉस्ट लगा इसको, दूसरा में सीपी कितना लगा हुआ है, इसको बेचा इन्होंने 7500 में बेचा और इसमें 25% का लाभ होता है, कॉस्ट निकालना है 100 पर और लाभ है 25%, तो 25 लिख दिया, ठीक है। 25 5 125 25 चक्का 100 और 5 से काटेंगे तो 15 5 75 और ये हो गया 15 चक्का 60, यानी कि इसका कॉस्ट हो गया 6000 रुपया। बताइए दोनों में अब तक 6 और 5 11000 रुपये इन दोनों का प्लस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 11000 रुपया लग चुका है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट लगा था 20000। तो बताइए तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, तो तीसरी साइकिल का सीपी क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस, टोटल तीन साइकिल में 20000 रुपया लगा है और दो साइकिल में अब तक 11000 लग चुका है, तो तीसरी में जाहिर बात है कि 9000 रुपया लगा होगा, तो 9000 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। तो इस तरह ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं मैं, आगे हम लोग फिर 8वां पार्ट लेकर लाभ हानि का लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जितना चाहें इसको आप ये लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं, ठीक है, धन्यवाद।